हेलो दोस्तों, तो आपने देखा आज की एक्सपायरी वाज लाइक जिगजैग। मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन किए, देन थोड़ा उछाल के बाद अगेन इट वेंट डाउन टू द ओपनिंग्स। निफ्टी दो आज डूजी कैंडल फॉर्म कर रहा है, जहां से ओपन हुआ था वहीं पे वापस से क्लोजिंग दिखाई है उसने। एंड बट आज ऑप्शन सेलर्स को इसने बहुत कंफ्यूज किया, हमें भी कंफ्यूज किया। बट एक विनर ट्रेडर की खासियत यही है कि वॉट एवर द डे विल बी, वो आपके रिस्क रिवॉर्ड के अंदर होना चाहिए। और हमने आज एक छोटा सा 17,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, एंड वी क्लोज अवर डे इन द आफ्टरनून ओनली, बिकॉज इन द फ्रॉम द मॉर्निंग मार्केट वॉज कंफ्यूजिंग द ट्रेडर्स कि उसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कौन सी डायरेक्शन ले रहा है, नथिंग वॉज क्लियर फ्रॉम द चार्ट। तो इसीलिए हमने हमारी ट्रेडिंग अराउंड 12:30 क्लोज कर दी थी, बिकॉज वंस यू आर इन अ लिटिल ग्रीन, तो आप उस ग्रीन को अगर घर पे लेके जा सकते हैं 3:30 तक, देन यू आर द विनर। क्योंकि जब नेक्स्ट डे यू हैव फॉर द ट्रेडिंग, उसके बाद भी आपको ट्रेडिंग करना है, फिर आपका जब सेटअप काम करेंगे यू हैव टू अर्न मोर, बिकॉज आपने वो विनर को बहुत बड़ा लेके जाना है और लूजर्स अपने छोटे होने देंगे। तो इसी के साथ ये शॉर्ट ब्रीफ था हमारे एक्टिविटी का। आप भी आज कंफ्यूज हुए होंगे तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस तरीके से आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, और जो हमने जोन बताया था वो जोन के ऊपर वन साइडेड आपको मोर देन 80 पॉइंट्स निफ्टी ने दिए, और उस पर अगेन हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट्स। तो गाइज, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है, और इसमें मैंने जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, सप्लाई जोन हम उसको बोल सकते हैं, 14,860 से लेके 14,900 के राउंड लेवल तक का जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, विच वॉज नॉट एबल टू क्रॉस बाय द निफ्टी फ्रॉम लास्ट 18th मार्च से लेके आज, एक दो आप देख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स इट हैव गॉट रिजेक्टेड। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट को क्रॉस करना है और इस जोन से ऊपर जाना है तो मार्केट शुड ओपन समवेयर अबो दिस जोन। आज मार्केट ने मॉर्निंग में वही किया, निफ्टी इंडाइसेस ओपन एट 14,880, एंड उसके बाद इट हैव गिवन वन साइडेड वी कैन से मोर देन 100 पॉइंट्स, हाई मेड वॉज 14,984। तो इससे यही पता चलता है कि वंस यू लर्न द व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट, हाउ मार्केट वर्क्स, आप ट्रेडिंग आपकी इजी हो जाएगी। सो एग्जैक्टली दिस हैपन्ड इन द मार्केट, और उसके बाद 15,000 लेवल पे मार्केट ने वापस से रिजेक्शन दिखाया है, यू कैन सी बाय मेकिंग द हाई ऑफ 14,984 विच वॉज शॉर्ट ऑफ 16 पॉइंट्स ओनली फ्रॉम द टॉप 15,000। मार्केट वापस से रिट्रेस किया है, बट अगेन नाउ द क्लोजिंग इज पॉजिटिव। मार्केट का बेसिक रूल है, वंस सपोर्ट ब्रोकन इट बिकम्स एज अ रेजिस्टेंस, इफ इट वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर मेनी टाइम्स एंड इट गॉट ब्रोकन, तो फिर ये वापस से आके एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, see how it was acting as a resistance, जो कि आज मार्केट ने मॉर्निंग में ब्रेक किया, एंड नाउ इट हैव अगेन ट्राइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट, बट स्टिल इट इज नॉट क्लियर कि मार्केट यहीं से 14,900 से सपोर्ट लेगा। अगला कल का इंपॉर्टेंट डे है, लेट्स सी मार्केट निफ्टी 15,000 के लेवल्स को ब्रिज कर पाता है क्या, और 14,800-900 से नीचे आता है, विच एवर वे इट विल गो हमें फॉलो करना है। वी कांट ट्रेड अपोजिट टू द मार्केट, हमें मार्केट के साथ ट्रेडिंग करनी है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को सेट करना है, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। सो मैं आपको एक बार निफ्टी को वन डे चार्ट में दिखा देता हूं। यस, आज मार्केट एक डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन आ रही थी फ्रॉम द हाईज ऑफ 15,431
जिसको कनेक्ट किया था हमने वापसी 3 मार्च के लिए एग्जैक्टली, और वहीं पे मेजर लेवल 15,000 की राउंड लेवल भी आ रही थी, दैट्स वाई मार्केट केम डाउन राइट नाउ। और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के बाद एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि एक मैक्रो व्यू में देखेंगे तो निफ्टी इज गोइंग अपवर्ड टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके के कॉम्प्रेशन के बाद। सी द वे निफ्टी गॉट कॉम्प्रेस, इस तरीके के कॉम्प्रेशन के बाद जिस भी डायरेक्शन में मूव आता है, इफ मार्केट ब्रेक्स दिस, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिस हाई, प्रीवियस हाईज जो हैं, इट विल रीच टू द प्रीवियस हाईज ऑफ 15,450 लेवल, एल्स अगर ये डाउन साइड में अगर ब्रेक दे देता है अगर ये यहां से डाउन साइड में ब्रेक देता है तो आफ्टर रिटेस्ट इट कैन गो मोर डाउनवर्ड स्ट्रेट टू द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ 13,600 एंड देन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी द 13,150। तो इस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है, वेरी कॉम्प्रेशन और ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग तो जबकि खासकर बहुत डिफिकल्ट हो गई है। सो ट्रेड विद लेस क्वांटिटी इन सच अ डेज, देन जब क्लियर डायरेक्शन आ जाती है यू कैन ट्रेड विद योर फुल कैपेसिटी, दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। तो आफ्टर दिस अब हम इंट्राडे में चलते हैं और देखते हैं आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसेस में किस तरीके से ट्रेड्स बनती थी, आप कहाँ पे एंट्री ले सकते थे फॉर गुड रिस्क रिवॉर्ड, लेट्स चेक। यस, तो ये है निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। 5 मिनट्स के चार्ट मैंने इंट्राडे ओपन कर दिए हैं। इन द मॉर्निंग ओनली, जैसे हमने बताया था, अगर 14,900 का लेवल ब्रीच करता है निफ्टी, देन इट विल ट्रैवल फॉर द नेक्स्ट 100 पॉइंट्स ऑन द अप डायरेक्शन। मार्केट ने वही किया, ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास उसने ओपन किया निफ्टी को, प्रीवियस डे हाईज के ऊपर ओपन किया, रिटेस्ट लिया छोटा सा, देन क्लोज ऑन द अबोव इट। तो यहां से सिंपल, जिस भी दिन इस तरीके के सेटअप क्रिएट होता है फर्स्ट 5 मिनट्स में, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के ऊपर बाय करना है एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा डे लो, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का लो। तो आज के केस में क्या बन रहा था, लेट मी चेक फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की रेंज कितनी थी। सो द रेंज वॉज 60 पॉइंट्स, तो 60 पॉइंट्स का अगर हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, मैं इस लाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ टू जस्ट कंसिडर इट एज अ स्टॉप लॉस, और तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1:1। तो मार्केट ने आज फ्रॉम हियर इट हैव गिवन एग्जैक्टली 55 पॉइंट्स। तो इस तरीके का एक ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनता था, दो निफ्टी रिट्रेस्ड आफ्टर इन द आफ्टरनून, बट इट हैव, इफ अगर आपने स्टॉप लॉस इस जोन में रखा हुआ है, योर स्टॉप लॉस वॉज सेफ एंड देन इट अगेन वेंट बैक, यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाते एंड डेफिनेटली आपको एग्जिट यहाँ पे करना ही था, बिकॉज देयर इज अ 15,000 का एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर आ रहा था। एंड अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि यू माइट हैव सोल्ड फ्रॉम द 15,000, नो। अगर आपकी साइकोलॉजिकली आप अगर वो ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस, अगर आपने एक बार बाइंग का कोई ट्रेड लिया है एंड इफ इट हैव सक्सेडेड, यहाँ पे आपने टारगेट्स लिए हैं, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फ्लिप द ट्रेड्स, राइट। तो इनिशियल बिगिनर्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट, बट द प्रोज कैन शॉर्ट फ्रॉम हियर। मैंने आज इस ट्रेड को यहाँ से शॉर्ट नहीं किया, बिकॉज फ्रॉम द मॉर्निंग ओनली निफ्टी वॉज लुकिंग वेरी बुलिश, तो इस दिनों में मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, तो निफ्टी को हमने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया, बट डेफिनेटली दैट वॉज अ सेकेंड ट्रेड पॉसिबिलिटी। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता था, आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, चलते हैं। बैंक निफ्टी ओपन सेम लाइक निफ्टी, प्रीवियस डे हाईस पे उसने ओपन किया एंड इट रैली टू द अपसाइड। अपना सेटअप कहता है फर्स्ट 5 मिनट्स अगर इस तरीके से प्रीवियस डे हाईस के ऊपर क्लोजिंग सक्सेसफुली दे देते हैं, वी आर गोइंग टू बाय हियर और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे रहेगा। सेम सेटअप happened in the Nifty और Bank Nifty in the first 5 minutes। तो हमने Bank Nifty में यहाँ पे buy trade अपनी execute करी थी, but it didn't work out। यहाँ से again Bank Nifty आज weak था, Bank Nifty retraced back। मैं आपको comparison दिखा देता हूँ,
how Nifty sustained at these levels, but Bank Nifty got retraced to the days low और यहाँ पे जाके उसने हमारा SL hit कर दिया. So that is completely fine. It was our setup stop loss and it costed us one stop loss. Again, अब हमें price action देखनी थी कि what happens next. यहाँ से अगेन बैंक निफ्टी ने 33,100 से सपोर्ट लेने के बाद इट अगेन रैलीड अप बट इट नॉट एबल टू क्रॉस इट्स प्रीवियस हाईज. सी इफ दिस इज द फर्स्ट हाई देन इट मेड द सेकेंड लोअर हाई. इस तरीके की प्राइस एक्शन मैंने आपको पहले भी वीडियोस में क्लियरली बताया है कि अगर आपको इस तरीके से लोअर हाईज मिल रहे हैं यू हैव टू लुक फॉर द सेलिंग साइड. और यही एग्जैक्टली हुआ. लोअर हाईज वीकनेस मार्केट में दिखा रहे थे. बैंक निफ्टी वीक है और हमने इसको इनकैश किया. बैंक निफ्टी को सेलिंग में हमने आपके साथ अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. लेट मी शो यू वंस. आज मार्केट में हमने जो एक्टिविटी किया था, यस मॉर्निंग वी बुक्ड सम लॉसेस बट देन वी अगेन came back and here you can see what exactly happened. Yes, जो मैंने stop loss आपको बताया था bank nifty में morning में हमने यहाँ पे stop losses hit किए but then we came back with our strategies and nifty में छोटा सा gain. bank nifty both 14,000 35,000. तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपके जो losers हैं losers छोटे होने चाहिए और winners आपके बड़े होने चाहिए. so the net gain was 17,000 and with this bank nifty CPR level तक retrace हुआ. and if you have sold somewhere in this zone तो आपको क्या करना है, अपने previous pivots पे अगर आती है price तो आपको वहाँ पे अपने profits book करने हैं. that is the way we booked here. again bank nifty rallied for the third time and आप देख सकते हैं यहाँ पे again एक rejection उसने show किया है. from where प्रीवियस डे हाईज, आज के हाई. यहाँ पे अगेन अगर इस तरीके की वीकनेस दिखाता है तो आप इस यहाँ पे देखिए इस सेटअप को स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है. इस तरीके की बेरिश अगर आपको मूवमेंट सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस पे मिलता है डेफिनेटली आपको यहाँ से शॉर्ट करना है और प्रीवियस डे लोज तो एटलीस्ट आपको अपने टारगेट लेना है. तो इस तरीके से आपको इंट्राडे में प्ले करना है. आपको समझना है कहाँ पे मार्केट वीक हो रहा है, कौन से पार्टिसिपेंट कौन से लोकेशन पे एक्टिव हैं. और ये अगर आप समझना सीख गए तो ट्रेडिंग विल बी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल. और इसी के साथ मैं भी अगर ये वीडियो से आपको लर्निंग्स हो रही है डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस करिए और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में हमारे वीडियो को शेयर करिए. तो देखा हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी. निफ्टी दो इज टेकिंग अ डायरेक्शन टू मूव अपवर्ड बट बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग वीक. तो हमें स्टिल अगला एक वीक दो वीक हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट को और अपनी पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली ही स्मॉल रखनी है जब तक मार्केट एक वन साइड डायरेक्शन नहीं लेता है. तो 14,880 और 14,900 का जो निफ्टी का लेवल है अगेन निफ्टी क्लोज जस्ट एट दैट लेवल ओनली. और आज हमने देखा फ्रॉम 15,000 मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है 100 पॉइंट्स डाउन. तो ये सिग्नल है कि हमें और कॉशियस होना है एंड लेट द मार्केट टेक इट्स ओन डायरेक्शन. उसके बाद फिर आपको इसमें टोटल कैपेसिटी के साथ उतरना है. तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो क्लोज कर रहा हूँ. कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी एंड कीप शेयरिंग पॉजिटिविटी. बाय बाय गाइस.